नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का डिसीजन सपनों के लिए लेते हैं। उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, उसके कुछ सपने होते हैं, जिसकी वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, उसी सपनों को देखते हुए बड़ा एक्साइटेड होके वो 2 सीसी का बिजनेस करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या वजह है कि इसी लेवल पे मैक्सिमम लोग यू टर्न कर लेते हैं इस बिजनेस से, वो छोड़ देते हैं इस बिजनेस को? क्या रीजन होता है दोस्तों? दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन होता है कि 2 सीसी करने के बाद उनको एक रोड मैप नहीं मिलता है कि करना क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, अब आगे क्या करना है कि जिसकी वजह से सपने पूरे हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको एक रोड मैप मिलने वाला है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद क्या करना है। दोस्तों, अगर आप डेडिकेशन से लगे हुए और आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है या असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया है, तो अब क्या करना है, इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। और सबसे पहला काम आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस कंपाउंडिंग पावर को अगर आपने समझ लिया तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत जल्द सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हम एक एग्जांपल के माध्यम से इस कंपाउंडिंग की पावर को समझेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 ऑप्शन दिया जाए। पहला ऑप्शन कि उसको 1 करोड़ रुपए कैश इमीडिएटली दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन कि उसको 1 रुपए दिया जाए और इस साथ में कमिटमेंट हो कि ये 1 रुपए अगले दिन 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, 32, इस प्रकार से 31 दिन तक मल्टीप्लाई, जस्ट 2x मल्टीप्लाई 31 डेज तक मिलेंगे। जिसने कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझा, मैक्सिमम लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। वो बोलेंगे हमें तो फटाफट से 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, ये जो कंपाउंडिंग की पावर है, ये जो मल्टीप्लेक्शन की पावर है, इसको समझने के लिए आप इसका रिजल्ट देखिए कि 31वें दिन वो 1 रुपए, वो एक चिल्लर 107 करोड़ रुपए हो जाते हैं। दोस्तों, ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं और जब छोड़ते हैं, तो आप यही सोच के छोड़ते हैं कि इस बिजनेस में मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, ये तो छोटा मोटा बिजनेस है, ये तो 30-35 हज़ार से शुरू होने वाला बिजनेस है, इसमें मेरे सपने कहाँ से पूरे होंगे। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि मैंने 30-35 हज़ार में शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे चलता है। ये कंपाउंडिंग की पावर को समझने वाले लोग इसमें बहुत बड़ा गेम खेल जाते हैं। दोस्तों, जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 5 लोगों को एसोसिएट कर दिया आपके साथ, तो दोस्तों ये सेम काम आपकी टीम करती है, तो एंड ऑफ द डे 625 लोग आपकी टीम के अंदर हो जाते हैं। लेकिन कब होंगे? जब आपने 5 डेडिकेटेड लोगों को ज्वाइन कराया है। अब ये ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे, अब लोगों को ज्वाइन कैसे कराएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे जो जानकार लोग हैं वो तो खुद मना कर रहे हैं कि आप तो गलत फंस गए, तो हम किसको बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी कि आपको अब करना क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। उस टीम को बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, आपकी टीम के हर व्यक्ति के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड में आपको एक कमेंट करना है कि आपको इस वीडियो में सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग विद स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कैसे करें। और दोस्तों, अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं है, तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी। दोस्तों, जितने भी सफल लोग हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनका रेशो लगभग 90-95% स्ट्रेंजर्स का है। दोस्तों, उनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से पहले कभी नहीं जानते थे उनको।
और दूसरा है दोस्तों हाउ टू सो प्लान, उन लोगों के साथ प्लान कैसे शेयर करें। इन दोनों विषय पे हम डीपली चर्चा करेंगे दोस्तों, बिना किसी स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज खत्म कर सकता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और इस पॉइंट पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में हम आज दोस्तों ये दो चर्चा करेंगे, लेकिन इसी के साथ में हम वो चर्चा भी करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। इन दोनों विषय पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं और अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत ट्रैक पे है दोस्तों। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। एक अच्छी सी फॉर्मल ड्रेस आपके पास होनी चाहिए, एक ड्रेस कोड प्रॉपर आप फॉलो करिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि भी आप बहुत महंगा पहनिए, सिंपल पहनिए, लेकिन दोस्तों वो एक फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ड्रेस 50% आपका बिजनेस इंपैक्ट करती है। जो आपका ड्रेस कोड होता है उससे 50% जंग आप उस ड्रेस कोड से जीत लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर एक डॉक्टर है, अगर अपीरियंस में आपको देखना है उसको और अगर पहचानना है तो उसकी पहचान क्या है, उसका एक ड्रेस कोड होता है। प्रॉपर एक ड्रेस कोड अगर नहीं लगाया हुआ तो आप कितना भी बड़ा डॉक्टर है उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप किसी रूम पे गए, वहां एक चपरासी बैठे, एक डॉक्टर बैठे, चपरासी ने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन के वो सीट पे बैठे और जो डॉक्टर है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो विदाउट यूनिफॉर्म बैठा है, तो आप दोस्तों उस चपरासी के पास अपना चेकअप करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने डेडिकेटेड एक ड्रेस कोड को फॉलो कर रखा है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे देश की पुलिस जब आपके सामने आती है प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ तो अनुशासन इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है अपने आप। जब भी आप किसी पुलिस की ड्रेस के अंदर किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अभी मुझे अनुशासित रहना पड़ेगा। तो ड्रेस कोड इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, एक बिजनेस ड्रेस कोड को फॉलो आपको करना पड़ेगा। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग विद स्ट्रेंजर्स, दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, और इसको बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंजर्स उसके साथ ये बिजनेस नहीं करते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं, कोई भी व्यक्ति आया उसको बता दिया, कोई भी व्यक्ति आया उसे उसको बता दिया, आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिलेशन बनाया लेकिन लास्ट में कुछ आप ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से जिंदगी में आपका कभी फ़ोन नहीं उठाते। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि उसने मेरे को रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा दिया था लेकिन अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। क्या ऐसे शब्द आप बोलते हैं जिसकी वजह से वो फ़ोन नहीं उठाते, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्ट्रेंजर्स के प्रोस्पेक्टिंग को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था दोस्तों, एक प्रैक्टिकल सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था। किसी एक व्यक्ति ने जेन्युइनली किसी बैग में पैसे डाल के सोशल एक्सपेरिमेंट करा था अनजान लोगों के साथ। वहां पे वो ऑफर कर रहे थे कि ये बैग पैसे से भरा हुआ है और मैं आपको देना चाहता हूं, और दोस्तों अनजान लोगों में से 99% लोगों ने वो बैग नहीं लिया। रीजन क्या जानते हैं? रीजन था दोस्तों, उन लोगों ने ना क्यों बोली, रीजन था ट्रस्ट। उन लोगों ने बोला कि हो सकता है इसके अंदर बॉम्ब हो, आप मुझे क्यों दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं, पहली बार किसी में से मिले और सारा बिजनेस प्लान दे दिया। कितना भी बढ़िया बिजनेस आप करते होंगे लेकिन जब आप उनको बताएंगे तो ट्रस्ट नाम की जो चीज आती है वो सबसे पहले उनके दिमाग में सबसे पहला क्लिक किया करती है कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं, जब मेरी इसकी कोई जानकारी ही नहीं है तो ये मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्यों बता रहे हैं। इसका मतलब ये मेरे साथ कोई फ्रॉड करना चाहते हैं, ये मेरे साथ कोई धोखा करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर ये बैग अगर आप किसी जानकार को देंगे तो जरूर 99% लोग उस बैग को ले लेंगे।
और इस बात से बहुत बड़ा हमें कुछ समझ आया दोस्तों। और अगर आप स्ट्रेंजर्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप मेट्रो स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन गए, वहां पे आपको शुरुआत कैसे करनी है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं, मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के सामने आपने एक स्माइल दी, स्माइल, जेन्युइन स्माइल दी, तो दोस्तों वहां से शुरुआत हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आपने उसको पूछा कि भाई साहब आप गुड़गांव में रहते हैं क्या, 99% वो बोलेंगे नहीं भाई साहब मैं गुड़गांव नहीं रहता हूं, मैं वहां रहता हूं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके सेम शक्ल का गुड़गांव के अंदर रहते हैं। इसी प्रकार से मेन मोटो ये है कि आपको एक चर्चा शुरू करनी है, वो चर्चा नंबर तक पहुंच जाए ऐसी चर्चा आपको शुरू करनी है, वो टेक्निक ऑन्ड होनी चाहिए। ऐसी दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है कि आपको क्या क्या शब्द बोलने हैं, वो नहीं है। वो आपको जेन्युइन पर्सन बनना है और आपको बात शुरू करनी है, सिर्फ मकसद सिर्फ यही है कि बात शुरू करना है। बहुत सारे लोग मेट्रो स्टेशन पे ही गए, किसी व्यक्ति से बात करी और ये बोला कि ये मेरा कार्ड है, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और वो आप जब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया के अंदर जवान हो चुका है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसको कोई चीज समझ नहीं आती, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जवान हो चुका है। हर व्यक्ति ने कोई ना कोई इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को देखा हुआ है और जरूरी नहीं है कि उसका नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसलिए आपका कॉल नहीं उठाएगा। दोस्तों मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके सामने वाली सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए आप 4 घंटे या 5 घंटे की जर्नी कर रहे हो, एक ही सीट पे आप आमने सामने बैठे हैं, तो 4 घंटे वो आपके सामने रहेगा और प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये हो सकता है। दोस्तों ट्रेन के अंदर आप लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं, मेट्रो के अंदर आप अपना दोस्त बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन लोकेशन पे सिर्फ आपका मकसद दोस्ती तक होना चाहिए, नंबर एक्सचेंज तक ही होना चाहिए। दोस्तों कभी भी यहां पे अपॉर्चुनिटी आपको नहीं बतानी है, वो हो सकते हैं आप किसी पेट्रोल पंप पे भी दोस्ती कर सकते हैं और पेट्रोल पंप पे दोस्ती करना बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए आप बाइक या गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, जेन्युइनली आपको जेन्युइनली तारीफ करनी है, ये नहीं है कि किसी की बहुत गंदी गाड़ी हो, बाहर से कचरा लगा हुआ है और आपने बोला भाई साहब आपने गाड़ी की क्लीनिंग बहुत अच्छी कर रखी है, तो वहां से शटर डाउन हो सकते हैं। मान लीजिए आपको अच्छी लगी, अच्छी सी फिनिशिंग कर रखी है, अच्छी सी क्लीनिंग कर रखी है, तो आप उनको बोल सकते हैं भाई साहब गाड़ी कहां से धुलवाते हैं, तो ये बात करने की शुरुआत हो सकती है। वो पूरी डिटेल में बताएगा कि वहां जाते हैं इतने पैसे लेते हैं, इतना टाइम लगता है और वो बहुत अच्छी गाड़ी वॉश करते हैं और बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस के अंदर करते हैं। और मान लीजिए किसी की गाड़ी अच्छी नहीं लगी, आपने वॉशिंग अच्छी नहीं लगी, तो उस गाड़ी के मॉडल नंबर से भी आप बात शुरू कर सकते हैं। मतलब मेन मकसद हमारा है सिर्फ बात शुरू करना, और जब बात शुरू हो जाएगी, नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, तो फिर आपका काम बन जाएगा। अब क्या नहीं करना है उसकी बात करते हैं, डोंट डू दिस, क्या नहीं करना है इसके बारे में बात करते हैं। इनको बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, आई हैव ए बेस्ट कंपनी। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, किसी से बातचीत शुरुआत करके कार्ड पकड़ाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी कंपनी है। 99% आपका जिंदगी में कभी फोन नहीं उठाएगा। दूसरा, आई हैव बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, ये शब्द कभी नहीं बोलना आपको। आई हैव ए बिजनेस फॉर यू, ये शब्द कभी उस व्यक्ति को नहीं बोलना है। आई हैव ए लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट, ये जो शब्द हैं ये बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बोल रखे हैं और हो सकता है उस व्यक्ति ने ये शब्द ऑलरेडी बहुत बार सुना हुआ और वो किसी ने किसी गलत कंपनी का भी सुना हुआ हो सकता है और उसके बैड एक्सपीरियंस की वजह से ये नाम को उन लोगों ने बदनाम कर दिया। हालांकि ये नाम सही है क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी कंपनी है, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक अच्छा लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है हमारे पास, जिससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये नाम
जब उनके सामने जाएंगे, प्रैक्टिकली साउंड करेंगे, तो वो व्यक्ति आपका फोन कभी नहीं उठाएगा दोस्तों। 90% चांस फेल होने का रहता है इसमें, प्रस्पेक्टिंग फेल का रहता है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, मेक ए बेटर रिलेशनशिप, उन लोगों से बात हो सके इतना आपको करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जरूरी, अब आपकी रिलेशनशिप भी होगी, आपके पास लिस्ट भी है, लेकिन अब करना क्या है, अब उन लोगों के साथ प्लान कैसे करना है, और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्लियर होगी दोस्तों। और जब आप अपने आप को ट्रैक करेंगे और आप 1 से 1.5 साल से 2 साल से अगर लगे हुए होंगे और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके सामने कि क्यों मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये 100% प्रैक्टिकली दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद ने इसको अप्लाई करा हुआ है और ये 100% काम करता है दोस्तों। इसको ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई व्यक्ति प्लान करने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए जाऊंगा, मेरी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी और मुझे बहुत बड़ा चेक आएगा। माइंडसेट ये लेके जाते हैं, माइंडसेट जो होता है किसी व्यक्ति से मिलने से पहले वो यही होता है कि मेरी एक बहुत अच्छी टीम बन जाएगी, मैं इससे मिल लूं, ये जुड़ जाए बस, मेरी बहुत अच्छी टीम बन जाएगी, अगले 1 तारीख को 5 तारीख को 15 तारीख को जो चेक आएगा वो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक हमारा एटीट्यूड दोस्तों। आपको बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप के अंदर एक बहुत गोल्डन लाइन मिलती है कि आपका जो एटीट्यूड होता है उस एटीट्यूड को गिविंग एटीट्यूड बना के चलिएगा। उसका मतलब यही होता है दोस्तों, उसका डीप यही होता है कि जब आपका फोकस रहता है कि मेरी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, मेरा बहुत बड़ा चेक बन जाएगा, तो दोस्तों जब आप प्लान करेंगे तो आपके शब्दों से झलकेगा, आपके शब्दों से आपका लालच झलकेगा दोस्तों। और डायरेक्टली आप प्लान शुरू कर देते हैं, हमारी कंपनी ये करती है, हमारी कंपनी का ये टर्नओवर है, हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी के रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं अगेन आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, यहां 99% रिजल्ट आपका फेल रहेगा, 1-2% का नहीं कह सकता, लेकिन 99% यहां आपका प्लान फेल होने वाला है दोस्तों। क्या करना है, जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो उनके कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो आप बिजनेस लेके गए हैं वो ऑब्जेक्शंस होते हैं दोस्तों। आपको अगर प्लान बेटर तरीके से शेयर करना है तो 4 की टेक्निक को यूज करना है, आपका प्लान 100% सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। 4 की टेक्निक क्या है, और ये 4 की टेक्निक यूज करने के बाद वो खुद बोलेंगे, आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोलेंगे कि मैं इस बिजनेस को इसलिए करूंगा। इस टेक्निक को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये 4 टेक्निक्स हैं। आपकी जो प्लानिंग रहेगी वो इन 4 बटन्स के इर्द गिर्द रहनी चाहिए, मेल्ट द आइस, बर्फ को पिघलाना, फाइंड द हॉट बटन, प्रेस द हॉट बटन, गेट ए कमिटमेंट। ये 4 बटन्स के 4 जो की है इनके इर्द गिर्द आपकी प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए दोस्तों। जब भी आप व्यक्ति से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत करनी है दोस्तों, उन लोगों के साथ बात कैसे करनी है, मैं आपको सिंपली तरीके से बता रहा हूं और मेन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखना दोस्तों। आपको क्या करना है, विजुलाइजेशन, जो उसका विजुलाइजेशन होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। विजुलाइजेशन, अगर आप उस व्यक्ति को ये बताने में कामयाब हो गए कि वो इस बिजनेस को क्यों करे, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। सबसे पहला क्या करना है, फाइंड द हॉट बटन, उसका जो बटन है उसको फाइंड करिए। बटन को फाइंड कैसे करना है दोस्तों, उनसे बात करने पे पता लगेगा कि उनकी वो सही बटन कौन सा है जिसको दबाने से आपके साथ वो जुड़ जाए, वो ज्वाइन हो जाए। वो बटन कैसे पता लगेगा दोस्तों, उनके साथ बात करने से। कौन सी बात सुन के वो दुखी होते हैं, कौन सी बात सुन के वो सैड हो जाते हैं, और कौन सी बात सुन के वो खुश हो जाते हैं, ये सारी बातें करेंगे तो पता लगेगा। ये सारी जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी बात से वो दुखी हो रहा है, कौन सी बात से वो
खुश हो रहे हैं, कौन सी बात से वो सीरियस हो रहे हैं और कौन सी बात में वो एक्शन मोड पे चला जाता है, ये दोस्तों बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझना है, उनकी हर एक निगाह को समझना है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी कामयाबी पाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है दोस्तों। यहाँ पे सिंपली यहाँ इतना करने के बाद एक एक्टिविटी और करनी है, आपको एक क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। कुछ लोग तो बैड एक्सपीरियंस बताएंगे, कुछ लोग बोलेंगे हाँ मुझे पता है वो अच्छी कंपनी होती है, और कुछ लोग जिसमें ज्यादा चांस रहेगा कि मुझे नहीं पता, तो आप उनको बताइए कि आइए मैं आपको बताता हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। ये वो समय है दोस्तों, यहां आपको ध्यान से चलना है। ये वो समय है जब आपका प्रोस्पेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब आप बताएंगे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, पीएमएफ। इस पीएमएफ को एक्टिवेट करने के बाद 100% आपके साथ वो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान से समझना दोस्तों, प्राइमरी फैक्टर। इस प्रकार से जब आप बताएंगे कि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, खुद का बॉस बनने के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए और एक अच्छी रिटायरमेंट के लिए और लेगेसी छोड़ने के लिए, और आप यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करें तो आप इनमें से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। दोस्तों मैं कहता हूं कि 80% लोग आपको इनमें से एक खुद ही अपना हॉट बटन बता देंगे, खुद ही अपना बटन बता देंगे जिससे आप उसको प्रेस कर सकते हैं। 20% तो वो खुद कुछ नहीं बोलेंगे, वहां से निकल जाने, टाइम खराब नहीं करने। मान लीजिए उस व्यक्ति ने आपको गोल्डन 3 क्वेश्चन पूछने हैं, मान लीजिए उस व्यक्ति ने बोल दिया कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए करने, आपने पूछा कि व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या रहेगी, और उसने बोला कि मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं एक्स्ट्रा इनकम को चूज करना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है कि आपको आपने इसका ही क्यों चुनाव करा, और प्रैक्टिकली जब आप पूछेंगे कि आपने इसका चुनाव क्यों करा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता देगा कि मेरी कम इनकम की वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन पूछना है, व्हाई इज देयर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो वो सारी चीजें आपको बता देगा। और जब ये आप कर देंगे तो दोस्तों 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपके लिए रेडी हो जाएगा। अब आप अपना प्लान शेयर कर सकते हैं, अब वो विजुलाइज कर सकता है कि मुझे क्या मेरे ड्रीम्स है, वो आपको खुद बताएगा मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे सपने क्या है, वो सारी चीजें आपको खुद बताएगा, अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के बारे में सारी चीजें आपको खुद बताएगा, और वो 100% आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों।